वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ सिंघ ऑटो जोन। दोस्तों, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिकल कार्स, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल अपकमिंग इलेक्ट्रिकल कार्स इन इंडिया 2019, 20 और इवन 21 की मैं बात करूंगा, अगर आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो बिल्कुल वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। इस वीडियो में मैं उनका ज्यादा स्पेसिफिकेशन बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आइडिया दूंगा कि आने वाले 2-3 साल में कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कार्स के, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप उसी हिसाब से अपना, अगर आपको इनमें से कोई गाड़ी पसंद आती तो आप उस कब लॉन्च होगी वो समय साथ में बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, आप रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी पसंद की गाड़ी मिले, अच्छे फीचर्स मिले, तभी उसको लेने का फायदा है। तो बिल्कुल दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आज हम शेयर करेंगे 2019, 20 और इवन 21 में भी जो नए इलेक्ट्रिकल कार्स लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। बिल्कुल आज सारी लिस्ट में आपके लिए बनाकर लाया हूँ, इसमें मैं ज्यादा इनकी बैक डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आने वाले 2-3 सालों में कौन कौन से मॉडल मार्केट में आने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं 2019 से। सबसे पहले भारत की अपनी कंपनी जो टाटा है उससे बात शुरू करते हैं। बिल्कुल जैसे आप जानते हैं कि टियागो को, माफ कीजिए, टाटा टिगोर जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स को एसएल की तरफ से 6000 गाड़ी का ऑर्डर मिला है, वो एक अलग ऑर्डर है। उसके अलावा इसी साल 2019 फर्स्ट हाफ में जून तक इसको जनरल पब्लिक के लिए भी उतारा जाएगा, और ये भी कन्फर्म किया गया कि भाई जो एसएल को ऑर्डर दिया गया था उसके मुकाबले इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी और प्राइस भी कम होगा। वहीं सेकेंड हाफ में जो टाटा का हैचबैक है टियागो, उसका भी इलेक्ट्रिकल वर्जन उतारना जाएगा, जो कि अफोर्डेबल गाड़ी रहने वाली है। नैनो पर भी काम चल रहा है, बट नैनो का ऑर्डर जो कैब एग्रीगेटर है मीन्स ओला अबर, इनका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उन्होंने काफी अच्छा नैनो को दिया है, जो बेंगलुरु में इनका फ्लीट है उसमें ऐड करने की प्लानिंग है, तो आई थिंक वो अभी सिर्फ उस तरफ ज्यादा रहेगा। जनरल पब्लिक के लिए फिलहाल नैनो के आने का कोई प्रोग्राम नहीं है इलेक्ट्रिकल वर्जन में। इसके अलावा महिंद्रा, जिसका ऑलरेडी हम जिसका मैं कहता हूँ सिर्फ अभी हाल में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, वो है महिंद्रा की E20+ जो कि छोटी 4 सीटर, जिसका नाम पहले रेवा था, बाद में इसका नाम बदलकर E20+ रख दिया गया है। इसके अलावा महिंद्रा की अपकी जो नेक्स्ट कार है KUV100, उसका भी 2019 के लास्ट में इसका भी इलेक्ट्रिकल वर्जन मार्केट में उतारा जाएगा, कंपनी को काफी उम्मीदें हैं इस प्रोडक्ट पे। इसके अलावा दो बड़ी हाई एंड गाड़ियां 2019 इसी साल सेकंड हाफ में लॉन्च होगी। पहली है ह्यूंडई की SUV, इलेक्ट्रिकल SUV कोना, वर्ल्ड की एक मानी हुई बिल्कुल SUV इलेक्ट्रिकल, काफी अच्छी रेंज है इसकी, 300+ आपको रेंज मिलेगी। प्राइस बिल्कुल प्राइस इसका दोस्तों 15-20 लाख के आसपास इसका प्राइस आएगा मिनिमम। वहीं निसान की लीफ जो कि वर्ल्ड की अभी तक एक मानी हुई एक प्रीमियम कार है, और इसमें इसकी रेंज की खासियत है, इसकी जो रेंज है बिल्कुल आपको 400 के आसपास इसकी रेंज मिल जाती है, 60 काफी हैवी इसका बैटरी पैक है 60 kWh का, इसका प्राइस भी तकरीबन 20-25 लाख के बीच में जाता है। ये दोस्तों थे 2019 में होने वाले प्रोडक्ट। अब बात करते हैं 2020 में, जिसमें काफी लंबी लाइन है। स्टार्ट करते हैं भारत की अपनी कंपनी मारुति सुजुकी के, जिसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार है वैगनार, उसका इलेक्ट्रिकल वर्जन भी फर्स्ट हाफ से पहले लॉन्च किया जाएगा। इसका काफी हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, प्राइस इसका 7.5 लाख तक इसका बेस प्राइस हमें मिल जाएगा, रेंज भी 200+ मिलेगी, काफी अच्छे फीचर मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में, क्योंकि मारुति ने टोयोटा ने मिलकर जो अपना गुजरात में ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा रही है, तो हम कह सकते हैं आने वाली जो भी मारुति और टोयोटा, इवन महिंद्रा ने भी LG के साथ टाइप किया है, वो सब मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरी के साथ लॉन्च होगी। मीन्स ये गाड़ियां अफोर्डेबल होने वाली है, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। अगर चलिए रिनोल्ट क्विड, बिल्कुल उसका इलेक्ट्रिकल वर्जन जो हाल में बस तैयारी पर है, चाइना में इसको लॉन्च किया जाएगा पहले, क्योंकि कहने की बात नहीं है कि चाइना नंबर 1 इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है, उसके बाद इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, ये भी एक अफोर्डेबल गाड़ी रहेगी। महिंद्रा बिल्कुल जो सबसे आगे निकलने की चाह रखती है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, उसका जो थर्ड मॉडल है XUV300 जो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है, उसका भी जो उनके जो MD मिस्टर पवन, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि 2020 लास्ट तक इसका भी इलेक्ट्रिकल वर्जन मार्केट में उतार दिया जाएगा। इसके अलावा टाटा की बात करें तो टाटा के दो मॉडल और कंफर्म हुए हैं 2020 के लिए। पहला है जो इनकी लास्ट ईयर जो लॉन्च हुई थी टाटा नेक्सन, जिसको काफी ज्यादा लोगों ने सराहा था, इसकी ओवरऑल सभी चाहे पेट्रोल मॉडल हो चाहे डीजल मॉडल, इसकी ओवरऑल शेप की बात करें तो इसी वजह से इसके इलेक्ट्रिकल वर्जन पर भी कंपनी काम कर रही है। इसके अभी लॉन्च की कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ, बट इतना है कि इस पर काम हो रहा है, इस पर R&D चल रही है। वहीं जो बिल्कुल हाल में ही जो आजकल लास्ट वीक जो जिनेवा ऑटो वीक ऑटो एक्सपो चल रहा था, वहां पर मारुति ने, माफ कीजिए, टाटा ने अपना जो फोर्थ इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो कि टाटा 45X, जिसका अल्ट्रिस नाम रखा गया है, उसका इलेक्ट्रिकल वर्जन भी शो किया था। इसके अलावा एक हाई एंड कुछ हाई एंड गाड़ी भी लॉन्च होगी 2020 में, जिसमें है ऑडी की ई-ट्रॉन, BMW की i3, जो कि बिल्कुल इसका भी यूरोप में काफी अच्छी सेल फिगर रही है इस गाड़ी की भी,
वही बात करें, किया भी इसने ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में अपना 15th प्लांट सेटअप कर दिया और वहीं से दो इलेक्ट्रिकल मॉडल प्लस दूसरे पेट्रोल या डीजल मॉडल भी उतारने जा रहे हैं। इसमें नीरो, इसकी नीरो इलेक्ट्रिकल नीरो एक मानी हुई वर्ल्ड की एक मानी हुई इलेक्ट्रिकल कार है, उसको भी 2020 में ही लॉन्च किया जाएगा। और 2020 में और मॉडल है जो हम जानते हैं कि जो चाइना की जो MG मोटर्स है, कहते हैं यूके के बट इसको ओवरऑल चाइना की कंपनी ने खरीद लिया था, उसका भी एक मॉडल हेक्टर SUV लॉन्च की जा चुकी है या माफ कीजिए लॉन्च होने वाली है। उसके अलावा जो सेकंड SUV रहेगी, MG का एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्ट SUV बेस्ड है, तो उसकी जो सेकंड SUV रहेगी वो इलेक्ट्रिकल रहेगी, ये भी कंफर्म हो गया है। मीन्स हम कह सकते हैं चाइनीज इलेक्ट्रिकल कार भी ऐड होने वाली है 2020 में। इसके अलावा रिनोल्ट जो कि क्विड से स्टार्ट करेगी इलेक्ट्रिकल वर्जन, उसका सेकंड प्रोडक्ट भी रेडी है इंडिया के लिए, वो है वो भी बिल्कुल काफी अच्छी एक मानी इलेक्ट्रिकल कार है, जिसका नाम है रिनोल्ट जो। इसकी भी अच्छी रेंज है, एक प्रीमियम सब कॉम्पैक्ट गाड़ी है ये। इसके अलावा स्वीडन की जो स्टार्टअप था एक यूनिटी वन, वो भी इंडिया में उसकी ऑलरेडी इसकी बुकिंग शुरू हो गई, 1000 रुपये देकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हो, वो भी रिफंडेबल है। 2020 लास्ट तक इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 2020 में जैसे मैंने बताया कि मारुति सुजुकी टोयोटा और जो तोशिबा, जो कि माफ कीजिए मारुति सुजुकी तोशिबा और डेंसो जो कि टोयोटा का ही पार्ट है, इन तीनों ने मिलकर गुजरात में लिथियम आयन बैटरीज प्लांट पर काम कर रही है। 2020 में इसको प्रोडक्ट जो है लिथियम बैटरीज मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। इसके अलावा महिंद्रा ने भी LG के साथ टाइप किया है 2020 तक, उनकी कोशिश है कि वो भी अपनी मेड इन इंडिया लिथियम बैटरीज को मार्केट में लॉन्च किया। इसके अलावा टाटा भी कोशिश कर रही है कि 2020 तक टाइप करके किसी कंपनी के साथ इसको लॉन्च किया जाए बैटरीज को, तो 2020 मेड इन इंडिया लिथियम बैटरीज के लिए भी खास रहेगा। इसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं जो 2021 में के लिए कंफर्म हुए हैं, वो है कि जो टाटा की एक प्रीमियम सेडान फुल साइड गाड़ी है ई विजन, जो विजन गाड़ी थी उसका भी इलेक्ट्रिकल वर्जन ई विजन, उसको भी एक उसके लिए R&D चल रही है, उसके लिए भी अगर कंपनी का कहना है कि 2021 तक इसको भी लॉन्च किया जाएगा और ये काफी प्रीमियम होने वाली है गाड़ी। इसके अलावा महिंद्रा का मॉडल है S201, उसका भी कॉम्पैक्ट SUV है, उसको भी इलेक्ट्रिकल वर्जन पर R&D चल रही है, 2021 में इसको लॉन्च करने की तैयारी है। उसके अलावा Hyundai की एक और इलेक्ट्रिकल कार है जिसको बिल्कुल काफी ज्यादा अच्छा है, इस पर अभी तक रिव्यू आया हुआ है आयोनिक, इसका भी इलेक्ट्रिकल वर्जन 21 में लॉन्च करने की तैयारी रहेगी और काफी प्रीमियम के साथ साथ इसका प्राइस भी तकरीबन 20 लाख के आसपास रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कैसे 2020 एंड तक कितने अच्छे प्रोडक्ट आपके पास, ऑप्शंस मेन चीज है, आपके पास ऑप्शंस रहेगी, ऑप्शन रहेगी तो बिल्कुल हमें जैसे मैंने बताया 2020 तक लिथियम बैटरीज भी आने वाले, तो ऐसे में काफी ज्यादा आपको एक अफोर्डेबल गाड़ी अच्छी रेंज के साथ गाड़ियां मिलने वाली है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जो भारत की जो अपनी ऑटो कंपनीज है, चाहे वो मारुति सुजुकी टाटा या महिंद्रा, इन सबके द्वारा अच्छी आपको एक अच्छी डिजायरेबल रेंज के साथ डिजायरेबल प्राइस के साथ अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इसमें फायदा आपका ही होने वाला है। आज के लिए इतना ही, वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।